अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा दे ऐसी घोषणा देते हुए पैंथर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से आज परभणी में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया। देहात शहर इलाके में दलितों पर अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं, जैसे कि महिलाओं पर दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। औरंगाबाद तहसील के पैठन में सेलवाड़ी स्थित गाँव में दिन दहाड़े एक 12 से 13 साल के बच्ची पर बलात्कार हुआ है। नगर जिले में एक दलित परिवार के घर को जलाकर उसे मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई के वस्ती ग्रह में रेप करने किया गया है। नांदेड़ जिले में एक खेड़े में बाबा साहेब की जयंती के निकालने पर अक्षय भालेराव जैसे युवक का खून कर दिया गया। परभणी जिले में सिंगनापुर जगह पर एक मागा स्वर्गीय युवक को खून कर दिया गया। श्रीरामपुर यहाँ पर दलितों का मर्डर करते हुए कुछ मामले तो लातूर जिले में भी हुए हैं। समूचे मराठवाड़े में इस तरीके से जातिवादी बीज पेरा जा रहा है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके कार्यकाल में दलितों पर बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार को तुरंत रुकाया जाए। देवेंद्र फडणवीस का इनका दलितों की ओर ध्यान नहीं है। इतना बड़ा गृह खाता होने के बावजूद दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार को नहीं रुकाने के कारण नैतिक जिम्मेदारी समझकर देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री खाते का इस्तीफा दे और अपराधियों को कड़क सजा दी जाए। इसलिए 18 दिसंबर 2023 जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने पैंथर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के इलाके में पैमाने पर धरना आंदोलन करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस समय पैंथर रिपब्लिकन पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर दुधवड़े, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश खरात, जिला सचिव दिलीपराव कांबड़े, जिला कार्याध्यक्ष किशन कांबड़े, जिला प्रवक्ता धोंडीबा गायकवाड़ के साथ पैंथर रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। या महाराष्ट्र मध्ये दीन दलितावर, विशेषतः मागासवर्गीयावर, मागासवर्गीयांच्या मुलीवर अत्याचार बलात्कार सतत घडत आहेत। म्हणजेच माननीय देवेंद्र फडणवीसजी हे गृहमंत्री राज्याचे असून त्यांचं ह्या मागासवर्गीयावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरोधात जराही लक्ष नाही, म्हणून त्यांनी या काळामध्ये राजीनामा ताबडतोब दिला पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट सांगायचं म्हणजे अनेक मर्डर्स व्हायलेत, खून व्हायलेत आणि ते विशेषतः बौद्ध समाजाच्या आणि मागासवर्गीयांच्या जाती जमातीचेच व्हायलेत। हे मुद्दा म्हणून व्हायलेत का काय हे आम्हाला माहीत नाही, तरी शासनाचे याकडे लक्ष असावा आणि माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा अशी आमची पॅन्थर्स पार्टीच्या वतीने मागणी आहे। खंडोबा जत्रा के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। परभणी शहर के धार रोड स्थित ग्राम देवत खंडोबा यात्रा के अवसर पर खंडोबा मंदिर इलाके में 18 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया था। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर हरिभाव गायकवाड़, डॉक्टर सोनाली गुंजकर, शिव मल्लार सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष मुंजाजी बालटकर, सचिव सीता काकड़े, वैजनाथ बोबड़े, बंडू टिपरे, भीमा कानड़े, रुपेश कलंदर, मुंजाभाव बंसोड़े आदि इस समय स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए जाँच कर अपनी उपस्थिति दिखाई। आणि सर्व जनतेला उपलब्ध मी पालटकर आणि त्यांचं राजे मल्हार मित्रमंडळ यांचे मनस्वी आभार मानून त्यांचे सर्व कार्यकर्त्यांना मी पुष्पहार घालू शकत नाही। तसेच यांची मुहूर्तमेढ म्हणून पालटकर सरांचे मी हार घालून स्वागत करीत आहे। असेच उपक्रम घेत राहा आणि समाजोपयोगी सर्व उपक्रमाला सर्व जनतेचा सपोर्ट मिळत हीच इच्छा बाळगून तुमच्याविषयी वेगळा काही कार्यक्रम राबवण्याची अशी धोरण ठेवा। ठीक आहे, मनोमन आपण पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासी, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 18 दिसंबर ये अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिन होने के बावजूद परभणी जिले में जिस तरीके से अल्पसंख्यक के मसलों को लेकर 15 कलमी कार्यक्रम
और अन्य जानकारी देना चाहिए, उस तरीके से जानकारी नहीं देने के कारण आज तारीख 18 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज मुस्लिम अधिकार परिषद की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि जो 15 कलमी कार्यक्रम है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक के जानकारी के हेतु अन्य प्रश्न हैं, उन जानकारी को देने के बजाय प्रशासन अलग तरह से मोड़ निभाते हुए अल्पसंख्यक को गुमराह कर रहा है। इसलिए होने आने वाले दिनों में 18 दिसंबर के रोज अल्पसंख्यक दिन के अधिकार को लेकर उनकी जानकारी और जागरूकता बढ़ाते हुए मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आयोग में निधि किस तरह से बांटा जाएगा और सुशिक्षित बेरोजगारों को लोन किस तरह दिया जाएगा, इसके बारे में निवेदन देते हुए जिला कलेक्टर से बातचीत की गई। इस समय इस संस्था के अध्यक्ष एवं सर्वसर्वा वहीद पटेल, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने जो जानकारी दी, क्या कहा, आइए जानते हैं। 18 दिन के मौके पर आज हमने कलेक्टर साहब को मुस्लिम अधिकार परिषद की जानिब से एक डेलीगेशन दिया और बहुत सारे मुसलमानों के मसलों के ऊपर बात रखी, जैसे कि आरक्षण है, शिक्षण है, संरक्षण है, 15 कलमी प्रोग्राम्स है, जो है तो महानगर पालिका में नोटरी के ऊपर जो घरकुल मंजूर नहीं हो रहा उसके ऊपर बात है, आरती के विकास पे जो है तो बात है, यहाँ के जो है तो विधानसभा में जो आमदार से जो खासदार है इनका फंड के अल्पसंख्यक के बजट के ऊपर बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बातें रखी गई है, देखते हैं कलेक्टर साहब अगले मीटिंग में मुतमईन करते बोल के उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे बातों का, हमारे सवालों का प्रशासन तक पहुंचा कर अच्छे से जो है तो उसे जो है तो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे अगली बारी, नहीं तो हम हर बारी जो है तो संविधान में दो तरीके के आंदोलन रहते, एक जो आज बैठ कर दिए और दूसरा रोड पर आकर, पुलिस प्रशासन भी आए और अगली बारी हम रोड पर आके इसका जो है तो सवाल पूछेंगे प्रशासन। 18 डिसेंबर रोज जागतिक अल्पसंख्यक हक्क दिवसाचे आयोजन करण्यात आलेले होते। सर्वप्रथम सर्व अल्पसंख्यक समाजातील समाज बांधवांना अल्पसंख्यक हक्क दिवसाच्या शुभकामना देतो आणि सर्वांना विनंती करतो की आज आपण अल्पसंख्यक समाजाप्रती एक कर्तव्यनिष्ठा म्हणून कुठे ना कुठेतरी आपण ज्या ज्या ठिकाणी राहत असतात त्या त्या ठिकाणी अल्पसंख्यक आयोगाची अंमलबजावणी करता, अल्पसंख्यक समाजाच्या उन्नतीसाकरिता आपण कटिबद्ध राहूयात आणि भविष्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अल्पसंख्यक समाजाप्रती जर अन्याय होत असेल, अत्याचार होत असेल, तर त्या बाबतीमध्ये आपण सर्वांनी एकजूट दाखवून अन्याय अत्याचाराचा प्रतिबंध करूया। यासोबतच केंद्र शासन, मोदी शासन, राज्य शासन, सन्माननीय आपले भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, यासोबतच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी अल्पसंख्यक समाजासाठी बहुविध योजना आयोजित केलेल्या आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे निधीसुद्धा उपलब्ध करून दिलेले आहेत। मी प्रशासनाला विनंती करतो की केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या मार्फत जे काय अल्पसंख्यक समाजासाठी योजना आलेल्या आहेत त्याची निश्चितच आपण योग्य प्रकारचे नियोजन करून निधी वितरणामध्ये कुठली अनियमितता न येता सर्वसामान्य अल्पसंख्यक समाजातील लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ भेटेल याबाबत नियोजन करावे। यासोबतच सत्तर समितीने जे काही शिफारसी केलेल्या आहेत, 15 कलमी योजनेची जी काही अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला जे काही मागासपण दिसून होते, तर मी प्रशासनाला एक विनंती करेल की 15 कलमी योजनेच्या बाबत सुद्धा आपण एक नियोजन करून अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करावा। आज तारीख 18 दिसंबर 2023 को परभणी के कलेक्टर ऑफिस के सामने नायब तहसीलदार तहसीलदार की ओर से एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार एसोसिएशन की वेतन त्रुटि समिति बख्शी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण में उल्लेखनीय मामले के अनुसार नायब तहसीलदार वर्ग 2 के नायब तहसीलदार राजपत्रक में प्रस्तुतिकरण के अनुसार, साथ ही इस पर तत्काल कार्रवाई की शासन को पूर्व में ज्ञापन देकर उक्त मांग की स्वीकारते हुए तत्काल उस संदर्भ में शासकीय निर्णय जारी करने की मांग की तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन की ओर से की गई है। आंदोलन में तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, श्रीराम भेंडे, शारदा चोंडेकर, दिनेश झांपले, नायब तहसीलदार गणेश चौहान, लक्ष्मीकांत खड़ीकर, गजानन इनामदार विजय मोरे, पंडरीनाथ शिंदे, सोपान ठोमरे, प्रशांत वाकोड़कर, वीडी महाजन, सुग्रीव मुंडे, विनोद पवार आदि तहसीलदार नायब तहसीलदार एक दिन के धरना आंदोलन में शामिल रहते हुए नजर आए। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संघटनेमार्फत आज दिनांक 18 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी या ठिकाणी धरणे आंदोलन धरण्यात येत आहे। नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे 48 होण्याबाबत फार जुनी मागणी आम्ही शासनाकडे मागत आहोत, मात्र शासन या मागणीकडे कानाडोळा करत आहे। मागच्या मे महिन्यात आम्ही आंदोलन केले होते, मात्र या आंदोलनामध्ये फक्त आम्हाला आश्वासन मिळालं, 48 ग्रेड पे हा मिळाला नाही। याच्या अगोदर बाकी सर्व संवर्गाचा ग्रेड पे हा वाढवण्यात आलेला आहे, मात्र नायब तहसीलदार संघटनेचा नायब तहसीलदार वर्गाचा अद्यापही ग्रेड पे वाढवला गेलेला नाही। तरी यापुढे आम्ही 29 नोव्हेंबर रोजी
माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे। तसेच 5 डिसेंबर रोजी आम्ही एक दिवसीय धरणे आंदोलन धरलं होतं। आज 18 डिसेंबर रोजी आजसुद्धा आमचं धरणे आंदोलन आहे आणि जर आमची मागणी ही जर शासनाने मंजूर केली नाही तर 28 डिसेंबरपासून आम्ही बेमुदत संपावर जाणार आहोत। यासाठी जे काही नुकसान होईल, जी अडचण होईल जनतेला, याबाबत शासन सर्वस्व जबाबदार राहील। तरी माझी शासनाला विनंती आहे की 48 ग्रेड पे सर्व नायब तहसीलदार संवर्गाला मान्य करून आम्हाला उपकृत करावे। धन्यवाद। सुरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है। साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिला कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक दिवस का आयोजन। अल्पसंख्यक अधिकारियों के अनुपस्थिति के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश। महाराष्ट्र राज्य में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसे निर्देश अल्पसंख्यक विकास विभाग की ओर से दिए गए हैं। इस गतिविधि में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यक नागरिक अपनी संस्कृति और भाषा, परंपरा और विशेषताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, इस दिन को राज्य में मनाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को और उन्हें सूचित करने के लिए कलेक्टर को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसी तथ्य के अनुसार परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस तथ्य के कारण कि सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य कार्यक्रम में सेक्टर को आमंत्रित नहीं किया गया और अल्पसंख्यक को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक नहीं की गई। बैठक में सामाजिक संगठनों और संगठनों के इसके अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई। अवसर पर जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, इन्होंने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को अलग से बैठक बुलाकर आश्वासन दिया गया अल्पसंख्यक विकास कार्यों की योजना की क्रियान्वयन कागजों में ना रखकर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संगठन के महाराष्ट्र सचिव महबूब पठान, उसी के साथ जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान, शेख इस्माइल, अब्दुल रहीम, शेख चांद, शेख मस्जिद, मिसा गुलाम मोहम्मद उर्फ मिठू भाई, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीफ हनफी, संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता वहीद पटेल, एडवोकेट शाहनवाज खान, सलीम इनामदार, आसिफ मास्टर, राज इंडिया पार्टी के जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पठान हम्मू चाऊ, इनके अलावा अन्य सामाजिक संगठना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और राजनीतिक पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। आणि माहिती व्हावी हा त्याचा उद्देश आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी आपण अल्पसंख्याक हक्क दिवस हा जो आहे अल्पसंख्याक विभागाच्या 29 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन परिपत्रात दिलेल्या सूचनेनुसार आपण जिल्हाभरात असलेल्या विविध जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच अल्पसंख्याक विभागाची संबंधित यंत्रणा यांच्यामार्फत विविध महाविद्यालयामध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, गट आणि विद्यार्थी यांच्याकरता विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने जे काही कार्यक्रम आपण ह्या जिल्ह्यामध्ये घेतले त्यामध्ये भित्तीपत्रक स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, संगीत स्फूर्ती, रांगोळी स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या सर्व स्पर्धेतील विजेत्यांना या ठिकाणी आपण आज प्रशस्तीपत्र देऊन या ठिकाणी सत्कार त्यांचा आयोजित केलेला आहे, आपण त्यांना गौरविणार आहोत। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौहरा
चौराह से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। तेलु स्थित न्यूटन विद्यालय के चित्रकला विभाग की ओर से श्री रामजी भांगड़िया जयंती के अवसर पर आज तारीख 18 दिसंबर 2023 सोमवार के रोज प्रशाला के मैदान में पहली से लेकर चौथी के लिए रंग भरन तो इयता पांचवी के दसवीं के लिए चित्रकला स्पर्धा संपन्न हुई। इस स्पर्धा के 16वें वर्ष में रंग भरन चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर 3 गटों में शहर के 400 चित्रकलाकारों ने इसमें बड़ी पैमाने पर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के प्रमुख अतिथि के तौर पर नूतन विद्यालय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस एम लोया, सचिव प्रिंसिपल डॉक्टर विनायक राव कोठेकर, सचिव जयप्रकाश बिहानी, कार्यकारी सदस्य में नंद किशोर बाहेती, नूतन कन्या प्रशाले के प्रभारी एच एम रोहिदास मोगल, प्रशाला के प्रभारी एच एम संतोष पाटिल, प्रवेशक किरण देशपांडे, देवीदास सोनेकर आदि हाजिर थे। प्रस्तावित चित्रकला विभाग प्रमुख किशोर कटारे इन्होंने किया तो संचालन सुरेश हिवाड़े ने किया तो आभार फूल सिंह गावित ने माना। कांचन कोरडे ने मुलाकात देते हुए शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर किशननाथ पल्लेवाड़, अनंत कुमार विश्वंभर, केशव डहाड़े, गोविंद अरुण रामपुरकर आदि ने इसमें मेहनत की। हमारी न्यूज आपको किस तरह दिखाई दे रही है इसके लिए लाइक होना और उसके साथ कॉमेंट देना आपके जरूरी है। उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।